हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरी मॉस व्लॉग। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए रुमाली रोटी की एक ऐसी रेसिपी जिससे आपकी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट और पतली बनेंगी। देखिए फ्रेंड, ये हमने मैदा लिया है, इसमें मैदे से आधा हमने थोड़ा सा आटा डाला है और इसमें अब डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और हमें इसे दूध के पानी से फ्रेंड गूंथना है। यही एक हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। जब हम इसको आधा दूध और आधा पानी आप मिला लीजिए, इस तरीके से आप डो को लगाएंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी फ्रेंड। और जितनी चाहें आप पतली बनाइए, फिर भी आपकी रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाली हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने आटा लगा लिया, 5 मिनट रेस्ट पर छोड़ दीजिए और उसके बाद इस तरीके से आप लोइयां काट लीजिए। ये देखिए हमने कितनी पतली पतली लोइयां बनाई हैं और बहुत ही पतली रोटी बनके तैयार होगी। और आप इस तरीके से मैदे का ही बर्तन लगा के आप इसको बेल लीजिए। फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये हमारी रुमाली रोटी की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड, हमने इस तरीके से अपनी रोटी बेल ली है और आप जितनी चाहे पतली बनाइए, रुमाली रोटी तो बहुत पतली ही बनती है फ्रेंड। और इसको इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए और पतली कर सकते हैं। और देखिए तवे पे डाल के आप इस तरीके से उलट पुलट करते हुए अब इसको सेक लीजिए फ्रेंड। हमारे पास सुबह की बची हुई एक रोटी पड़ी थी तो हमने कपड़े से नहीं तो इस तरीके से हमारे पास ये गीली हो गई थी रोटी नीचे की, तो इस तरीके से फोल्ड करके इसी से हमने सेक लिया। इसी तरीके से हम सारी रोटियां अपनी बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड कितनी पतली और कितनी सॉफ्ट बनी है। फ्रेंड, आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है फ्रेंड। और ये देखिए इस तरीके से हमने सारी रोटियां बना ली हैं, आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही मुलायम और बहुत सॉफ्ट रोटियां हैं ये। और आप इसको पनीर के साथ खाइए, राजमा के साथ, छोले के साथ खाइए, किसी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और इन दोनों की रेसिपी आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी फ्रेंड।